हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, आई एम सिल्फी फ्रॉम आर्म्स स्कूल। आई एम हेयर यू ऑल टू टीच चैप्टर नंबर थ्री होम स्वीट होम रिवीजन। इस चैप्टर का रिवीजन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर को मैंने पहले भी यूट्यूब पे पढ़ा चुकी हूँ। चलिए इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, अलग अलग रूम्स है ना, जैसे कि ड्राइंग रूम में क्या होता है, बाथरूम में क्या होता है, ये सब आज हम लोग थोड़ा सा दोहरा लेंगे, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। घर है ना, हेलो फ्रेंड्स आई एम अनु। हेलो फ्रेंड्स आई एम अनु, मैं अनु हूँ। आई कुड लाइक टू टॉक यू अराउंड माई हाउस, टेक यू अराउंड माई हाउस। आई कुड लाइक टू टेक यू अराउंड माई हाउस, विल यू कम विथ मी। मैं अपने घर के आसपास, घर के अंदर दिखाना चाहती हूँ, क्या आप आना चाहते हो? यस, हम लोग देखना चाहते हैं अनु का घर। चलिए देखते हैं। This is made of red bricks. This is where I live with my family. My house is made up of red bricks. मेरा हाउस जो वो लाल ईंट से बना है ना, और यहाँ मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। किसके साथ रहती हूँ? परिवार के साथ। चलिए आगे देखते हैं। There is a small garden in the front with beautiful flowers। मेरे घर के बाहर छोटा सा गार्डन है सुंदर सुंदर फ्लावरों के साथ, है ना। There is also a dog house for Rambo in the garden। रैम्बो के लिए एक कुत्ते का घर भी है, पपी का घर भी है मेरे घर के, मेरे गार्डन में, है ना। गार्डन कहाँ है, घर के बाहर, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। माई हाउस प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम रेन हीट एंड कूल। मेरा घर जो है वो बरसात, ठंड और गर्मी से बचाता है। देयर आर मैनी डोर्स इन माई हाउस विथ लॉक। मेरे घर में बहुत सारे दरवाजे हैं लॉक के साथ, है ना। दे प्रोटेक्ट माई फैमिली फ्रॉम एनिमल्स एंड अननोन पीपल्स। वो मुझे अननोन पीपल और जानवरों से बचाता है ना। दरवाजे बंद रखेंगे तो कोई बाहर का नहीं आएगा, ना जानवर आएगा घर में। हाँ चलिए आगे पढ़ते हैं। माई हाउस ऑल्सो हैव विंडोज। वी गेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट फ्रॉम विंडोज। मेरे घर में बहुत सारी खिड़कियाँ हैं और उस खिड़कियों से मुझे ताज़ी हवा और सूरज की किरणें आती है, रोशनी आती है ना। विंडोज मतलब खिड़की। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स रूम्स इन माई हाउस। अलग अलग तरह का रूम मेरे घर में। ड्राइंग रूम में क्या होता है? व्हेन वी हैव गेस्ट इन आवर हाउस वी मेक देम सिट इन द ड्राइंग रूम। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाते हैं, नाश्ता पानी देते हैं ना। बेडरूम वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। हम लोग सोते हैं और आराम करते हैं कहाँ, बेडरूम में, है ना। किचन माई फादर एंड मदर इंजॉय कुकिंग इन द किचन। मेरे मम्मी पापा किचन में खाना बनाने में उत्साहित महसूस करते हैं। किचन में क्या बनता है? खाना, है ना। डाइनिंग रूम है ना, वी ऑल सिट टुगेदर एंड ईट आवर मील इन द डाइनिंग रूम, है ना। हम लोग सब ड्राइंग टेबल के पास चेयर लगा के बैठते हैं, खाना ड्राइंग टेबल पे रखते हैं ना, और सब साथ में, हम लोग सब फैमिली लोग साथ में खाना खाते हैं ना। चलो आगे पढ़ते हैं। वॉशरूम वी वॉश एंड बाथ इन द वॉशरूम। हम लोग
हम लोग बात बात करते हैं, नहाते हैं वॉशरूम में ना। आई बात एवरी डे बिफोर गोइंग टू स्कूल, मैं डेली स्कूल जाने से पहले नहाती हूँ, है ना। चलो, वी ऑल वर्क हार्ड टू कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। मैं हमेशा काम करती हूँ, मदद करती हूँ घर को साफ सुथरा रखने में, है ना। दिया हुआ है और कुछ कुछ हर रूम के बारे में लिखा हुआ है, वो भी देख लीजिएगा वीडियो, और ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं हम लोग। जो रेट से दिया हुआ है वो फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। अच्छे बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, माई हाउस इज मेड अप ऑफ रेड डैक्स, इट्स से ब्रिक्स से, ब्रिक्स से, है ना। वेरी गुड। आई बाथ इन वॉशरूम। माई पेरेंट्स इंजॉय कुकिंग इन द किचन, है ना। वी ऑल सिट एंड ईट इन द डैक्स रूम, डाइनिंग रूम, है ना। वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द विंडोज, खिड़कियों से। चलिए मैच द फॉलोइंग देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैच द फॉलोइंग, डोर्स का क्या होगा, लॉक, है ना। दरवाज़ा बंद कर देना, है ना, लॉक लगा देना। हम लोग चैप्टर में पढ़े थे ना, डोर बंद करना, क्यों बंद करते हैं हम लोग, क्योंकि अननोन पीपल और जानवर ना आए, है ना, डोर इसलिए लगाते हैं ना। विंडोज, सनलाइट, सूरज का किरण किरण आए और ताज़ी हवा आए। गार्डन, आउटसाइड द हाउस, बी नंबर, आउटसाइड द हाउस हमारे घर के बाहर रहता है। बेडरूम, स्लीपिंग, सोते हैं ना बेडरूम में। बाथरूम, बाथिंग। चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सी, राइट टी फॉर ट्रू, टी ट्रू के लिए, एफ फॉर फॉल्स, रैप फॉल्स के लिए, है ना। फर्स्ट, वी ईट लंच एंड डिनर इन द बाथरूम, नो, हम लोग डाइनिंग रूम में ना खाते और पीते हैं सब लोग, सब साथ में डाइनिंग टेबल पे, हाँ। चलो तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा फर्स्ट नंबर। वी स्लीप इन द बेडरूम, यस ट्रू, हम लोग बेडरूम में सोते हैं ना और रेस्ट करते हैं, हाँ। चलो आगे पढ़ते हैं। वी कुक फूड इन द किचन, ट्रू, है ना, खाना हम लोग का कहाँ बनता है, किचन में। वी शुड कीप आवर होम क्लीन, ट्रू, सही, हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना। फिफ्थ, आई लिव हैप्पीली विथ माई फैमिली एट स्कूल, फॉल्स, गलत, है ना, नहीं, हम लोग घर में रहते हैं ना, होम में रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर, है ना। राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट योर हाउस, अपने घर के बारे में कुछ लाइन लिखना है ना, हाँ, कि घर कैसा है, घर में कौन कौन रहते हैं, है ना, घर में कितने रूम हैं, क्या क्या है घर में, है ना, ये सब कुछ लाइन लिखिएगा। वेयर, वाई डू वी नीड लॉक्स इन द हाउस, हम लोग लॉक्स क्यों चाहते हैं, या नो लोग ना आए और एनिमल्स ना आए घर में, है ना। वेयर डू यू स्लीप एट नाइट, नाइट में कहाँ सोते हैं आप लोग, बेडरूम में, है ना। वेयर, वाट डू वी डू इन द किचन, वी कुक इन द किचन, हम लोग खाना बनाते हैं किचन में। हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप योर हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप हाउस क्लीन, घर को साफ सुथरा रखने में कैसे मदद करते हैं पेरेंट्स को। हाँ कि हाँ, डस्ट, गंदगी घर में ना करें, हाँ, रैपर वगैरह डस्टबिन में डालें, फिर कपड़ा कपबोर्ड में डालें, है ना, हाँ, ऐसे ऐसे में मदद करते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।